आज इमली और बीर पार्क का आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक बीर और इमली के पास एक मैडम आती है और फिर बीर से कहती है, भैया भैया मेरी मदद करो भैया, हमारी गाड़ी अचानक हमारे घर के ऊपर रख गई है। पता नहीं कैसे, हमारी मदद करो, हमारी गाड़ी को नीचे उतरवा दो भैया। अरे यह कैसे हो सकता है, यह तो इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता। अरे वीर, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। चलो हम चलकर देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। यदि हुआ है तो हम जल्दी से इनकी मदद करेंगे। चलो चलकर देखते हैं। फिर इमली और बीर उस स्थान पर जाने लगते हैं जहां पर वो गाड़ी खड़ी थी। देखो भैया, यही वो जगह है जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी है। देखो हमारी गाड़ी घर के ऊपर अचानक कैसे बच गई। प्लीज इस गाड़ी को उतरवा दो, हमें बहुत अर्जेंट काम है। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दीजिए क्योंकि हमने आपकी बातों को गलत समझा। चलिए हम गाड़ी को उतारने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक इमली को कुछ शक होती है और इमली उस मैडम के पास जाती है। तभी अचानक भाई मैडम एक भूतिया दानव में बदल कर इमली को मार देती है। वीर से कहता है, सावधान हो जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैडमैक्स, जल्दी बताओ इमली कहाँ है, नहीं तो आपकी प्रयोगशाला नहीं रह पाएगी, यह खंडर बन जाएगी। जल्दी बताओ इमली कहाँ है मैडमैक्स। ए वीर, चला जा यहाँ से, तुझे अब उमली नहीं मिलने वाली। इससे मैं इतना खतरनाक रोबोट बनाने वाला हूँ कि यही तेरा अंत करेगी। यह बात सुन वीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उड़कर मैड मैक्स के पास आता है और फिर मैड मैक्स को मारने लगता है। इमली कहाँ हो इमली, हमने मैड मैक्स को मार डाला, जल्दी से निकल कर आओ। अब आपको कोई भी पर्दा नहीं रोक सकता क्योंकि मैड मैक्स के सभी दरवाजे टूट चुके हैं। वीर, मैं केमिकल गोले के अंदर हूँ, मैं नहीं बच सकती। मुझे बचाने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। नहीं इमली, मेरे होते हुए आपको कोई भी पर्दा नहीं रोक सकता। कभी भी जादुई गोले में टक्कर मारकर इमली को साथ लेकर चला जाता।